आज की एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, मेरे दूसरी चैनल क्लाइमेक्स सिविल पर पोस्टेड न्यू सीरीज एंजॉय करना मत भूलना, जिसकी सारे एपिसोड्स पोस्ट हो चुके हैं। और अगर आपको मेरा काम जरा भी पसंद आता है तो आपसे छोटी सी विनती है कि प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक और क्लाइमेक्स सिविल को सब्सक्राइब जरूर करे, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। तो चलिए अब शुरुआत करते इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म के शुरुआत में हमें मून नाम की अंधी लड़की को दिखाया जाता है, जो अपने मन में कह रही होती है कि मैंने लोगों से सुना है कि ये दुनिया काफी सुंदर है, लेकिन मैंने आज तक इस दुनिया को नहीं देखा। पर अब और नहीं, कुछ ही दिनों में मेरी आंखों का ऑपरेशन होने वाला है, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार है। और तब मैं इस खूबसूरत दुनिया को और इस दुनिया की हर एक चीजों को अपनी आंखों से देख पाऊंगी। अब अगले सीन में मून का ऑपरेशन हो जाता है, जहां उसकी आंखों में पट्टी लगी होती है। तब उसके पास यिंग नाम की एक छोटी बच्ची आकर उससे कहती है कि आपके बगल में मेरा बेड है, मुझे ब्रेन ट्यूमर है जिसका ऑपरेशन कुछ ही दिनों में होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि जब मेरा ऑपरेशन हो जाए तब आप मेरे साथ बाहर चलो, मैं आपको सारी जगह दिखाना चाहती हूँ। जो सुनकर मून खुशी खुशी उसे हाँ कह देती है, जिसके बाद डॉक्टर मून की आंखों पर लगी पट्टी खोल देते हैं और भाग्य से ऑपरेशन कामयाब रहता है, जिससे उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है, जो देखकर उसकी माँ और बहन एकदम खुश हो जाते हैं। तब वो पहली बार आईने के सामने खुद को देखती है, क्योंकि जब वो 2 साल की थी तब से उसकी आंखों की रोशनी ना होने के कारण उसने कभी अपने आप को नहीं देखा था, और आज वो अपने आप को देखकर खुश हो जाती है। अब रात को जब मून अपने बेड पर होती है तभी उसे वहाँ एक बुजुर्ग फीमेल दिखाई देती है, जो उससे काफी दूर खड़ी थी, पर थोड़ा धुंधला दिखने के कारण उस बुजुर्ग फीमेल का चेहरा ठीक से नहीं देख पाती। लेकिन जैसे ही मून उसके पास जाती है, वो फीमेल उसके चारों तरफ घूमने लगती है, और जब मून उस फीमेल को छूने की कोशिश करती है तो वो तुरंत ही गायब हो जाती है, जो देख कर वो एकदम घबरा जाती है। और अगले दिन उसे पता चलता है कि उस बुजुर्ग फीमेल की कल रात मृत्यु हो गई, जो उसके बगल वाले वार्ड में ही थी। जो जानकर मून नर्स को बताती कि मैंने कल रात किसी को देखा था, जिस पर नर्स कहती कि हम रात में किसी भी विजिटर को आने नहीं देते, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। जो जानकर वो थोड़ी परेशान हो जाती है, इसलिए वो अपनी बहन के साथ एक साइकोथेरेपिस्ट लू के पास आती है, क्योंकि इतने सालों बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस आने के कारण उसका दिमाग और आंखें आपस में संतुलन नहीं बना पा रहे, जिससे उसे चीजों को देखकर समझने में बहुत परेशानी हो रही है। इस पर लू कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ सेशन के बाद तुम्हारी हालत में और सुधार आने लगेगा। वहीं हम लू के हावभाव से समझ पाते कि वो मून को पसंद करने लगा है। अब शाम को जब मून घर पर होती है तब उसके दरवाजे पर एक बच्चा दस्तक देकर उससे सवाल करता है कि क्या तुमने मेरा रिपोर्ट कार्ड देखा है, जिस पर मून उसे ना में जवाब देकर वहाँ से जाने को कहती है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब रात को जब मून सो रही होती है तब अचानक ही उसकी आंखें खुल जाती है, जहाँ उसे अपना कमरा एकदम से बदलते हुए दिखाई देता है, जो देख कर वो घबराने लगती है। पर अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अगले दिन भी एक और हैरान करने वाली घटना घटती है, क्योंकि मून जब दरवाजे के बाहर आती है तो वहाँ उसे फिर से रिपोर्ट कार्ड वाला लड़का दिखाई देता है, जिससे वो बातें करने लगती है। पर जब दरवाजे के होल से मून की माँ बाहर देखती है तो वहाँ उसे मून के अलावा कोई दिखाई नहीं देता, और अब मून को अकेला बात करता देख उसकी माँ भी हैरान हो जाती है। फिर कुछ समय बाद हमें उस रिपोर्ट कार्ड वाले लड़के के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पुलिस वाले आए होते हैं, क्योंकि कल उस बच्चे ने किसी अनजान कारण से बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। वहीं अब रात में मून को डरावने सपने आने लगते हैं, जिसमें फिर से उसका कमरा बदल जाता है, और इस बार वो अपने आप को किसी हॉस्पिटल के अंदर पाती है, जिस सपने को देखकर वो हैरान हो जाती है। वहीं अगले दिन जब मून 8 क्लास में होती है तभी उसे वहाँ एक फीमेल की आत्मा दिखाई देती है, जो उसे कहती है कि पहले मैं यहाँ बैठा करती थी, जो देखकर वो एकदम घबरा जाती है। अब इसके बाद जब वो घर जा रही होती है तभी उसके सामने से एक बच्चा उसके आर पार होकर गुजर जाता है, जिसे देखकर वो एकदम दंग रह जाती है। इसके बाद जब वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसे वो बच्चा सड़क पर मृत दिखाई देता है, जिसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यानी कि मून अपनी आंखों के मदद से आत्माओं को और जो मरने वाले उन्हें देख सकती है। अब ये जानने के बाद मून लू के पास जाकर उसे सारी बात बताती है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, जो सुनकर वो भी हैरान हो जाता है, लेकिन उसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। पर फिर भी वो उसे तसल्ली देने के लिए कह देता है कि मुझसे जो भी हो सकता है तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा।
जिसके बाद अब मून अपने बिल्डिंग के लिफ्ट के पास आती है, जिसके अंदर अब उसे एक बुजुर्ग आदमी पीछे की तरफ घूमे हुए दिखाई देता है। और जब वो स्क्रीन पर लिफ्ट के अंदर देखती है तो उसे वो आदमी वहाँ दिखाई नहीं देता, जिसे देख कर उसके पसीने छूटने लगते हैं। लेकिन उसका घर 15th floor पर था, इसलिए वो मजबूरन डरते हुए लिफ्ट के अंदर चली जाती है और इंतजार कर रही होती है कि कब उसका फ्लोर आएगा। तब धीरे धीरे से वो आदमी मुंह की तरफ बढ़ने लगता है, जहां हम उसका चेहरा भी देख पाते हैं, जो काफी डरावना था। लेकिन वो उसे कुछ करता इससे पहले ही मुन एक फ्लोर नीचे उतरकर सीढ़ी से अपने घर की तरफ भागती है, जहां उसे रिपोर्ट कार्ड वाला लड़का बिल्डिंग से कूदते हुए दिखाई देता है। पर फिर भी वो जैसे तैसे घर आकर खुद को लॉक कर लेती है। अब इन सब चीजों से मुन बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। तब वहाँ लू आकर उसे संभालता है और उसका मन बहलाने के लिए उसे म्यूजिक क्लास ले जाता है, लेकिन वहाँ भी वो म्यूजिक बजाते हुए बेहोश हो जाती है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तब उसके पास यिंग आती है, जिसके पीछे एक अजीब सा साया होता है। वहीं यिंग मून से कहती है कि मेरा सपना था कि मैं आपके साथ घूमने जाऊं, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा ऑपरेशन सफल नहीं हुआ, जो जानकर मून काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। और फिर वो साया यिंग को अपने साथ ले जाता है। तब वहाँ डॉक्टर आकर मून को बताता है कि यिंग अब नहीं रहा, जिस पर वो कहती है कि मैं जानती हूँ, मैंने भी उसे जाते हुए देखा है, जो सुनकर डॉक्टर भी हैरान हो जाता है। और फिर मून लू के साथ यिंग की फ्यूनरल में शामिल होती है। अब अगले सीन में जब मून अपने आप को आईने में देखती है तो उसे उसके चेहरे के बजाय वहाँ लिंग नाम की लड़की का चेहरा दिखाई देता है, जिस लड़की की आंखें उसे लगाई गई है, जो देखकर मून घबरा जाती है और घबराहट में वो आईना ही तोड़ देती है। इधर लूज डॉक्टर के पास आता है, जिसने मून की आंखों का ऑपरेशन किया है। वो उसे उस लड़की और उस हॉस्पिटल का पता मांगता है, जहां से मून के लिए आंख डोनेट की गई थी, जिस पर वो उसे उसका एड्रेस दे देते हैं। इसलिए मून और लू दोनों भी उस हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, जहां जाकर वो रिसेप्शनिस्ट से विनती करते हैं कि हमें डॉक्टर ईएक से मिलना है, जिन्होंने यिंग का ऑपरेशन करके आंख निकाली थी। वहीं मून तब तक हॉस्पिटल एक्सप्लोर करने लगती है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि ये वही उसके सपने वाला हॉस्पिटल है, जो बात वो लू को भी बताती है। तब वहाँ ईक आता है और अब लू उसे कहता है कि हमें यिंग के परिवार से मिलना है, पर ईक कहता है कि हम अपने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स किसी को नहीं देते। तब मून उससे कहती कि मुझे वो सारी चीज़ दिखाई देती है जो लिंग को दिखा करती थी, जो सुनकर यैक एकदम हैरान हो जाता है। इसलिए अब वो उन्हें लिंग के घर ले जाने लगता है, जहां रास्ते में उन्हें लिंग के बारे में बताता है कि वो भविष्य देख सकती थी, उसे किसी भी होने वाली दुर्घटना से पहले ही उसका होने का आभास हो जाता था, साथ ही वो आत्माओं को भी देख सकती थी, जिस वजह से लोग उसे विच मारकर उसे बहुत मारते और परेशान करते थे। अब यैक उन दोनों को लिंग के घर लेकर आता है, जहां वो अपनी माँ के साथ रहती थी। लिंग की माँ उसे बताती कि आज से कुछ साल पहले यिंग को आभास हुआ कि गांव में आग लगने वाली है, जो जानकर उसने सभी के घर पर जाकर दस्तक दी और उन्हें आग के बारे में आगाह करने की कोशिश भी की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसकी बात सच साबित हुई। गांव में अचानक ही किसी कारण से आग लग गई, जिसके चपेट में लगभग 300 लोग मारे गए, और इस दुर्घटना का लिंग के दिमाग पर काफी गहरा असर हुआ, जिसके बाद उसने उन 300 लोगों के मरने का जिम्मेदार खुद को मान लिया, क्योंकि वो उन्हें बचा नहीं पाई, और इसी सदमे के कारण उसने अपने कमरे में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली, जो जानकर मून और लू एकदम हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद यैक उन्हें लिंग के कमरे में ले जाता है, जहां मून आज की रात उसी कमरे में गुजारने का तय करती है। और अब कुछ समय बाद जब सभी सो जाते हैं, तब मून आईने के सामने आकर लिंग से कहती कि मैं जानती हूँ तुम मुझे यहाँ लाना चाहती थी, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर तुमने मुझे यहाँ तक क्यों लाया। तब लिंग मून को सारे विजन्स दिखाती है, जिसमें जब वो छोटी थी तब उसे बाकी बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया जाता था, साथ ही उसके बड़े होने पर भी लोगों ने उसे अच्छा नहीं माना, लेकिन हर समय लिंग की माँ उसका साथ देती थी। पर फिर भी आग लगकर 300 लोगों के मरने के बाद उसने रात के 3 बजे आत्महत्या कर ली, और फिर वो आत्महत्या वाला विजन बार बार रिपीट होने लगता है, जिसे देखकर मून समझ जाती है कि लिंक की आत्मा उस आत्महत्या वाले समय पर एक लूप की तरह फंस चुकी है, और हर रात 3 बजे इस कमरे में उसकी आत्मा आकर आत्महत्या करती है, जो जानकर मून हैरान हो जाती है। अब मून लिंक की माँ के पास आकर उन्हें सारी बात बताती है कि लिंक की आत्मा लूप में फंस चुकी है, पर ऐसा क्यों हुआ वो मैं नहीं
जानती। तब लिंक की माँ उसे कहती कि मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। मैंने बचपन से उसे हर चीज़ से बचाया, हमेशा ढाल बनकर उसके साथ रही, लेकिन उसने क्या किया? उसने मेरी ज़रा भी परवाह किए बगैर मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। इसलिए मैं कभी उसके कमरे में नहीं जाऊँगी। जो सुनकर मून फिर से लिंक के कमरे में आ जाती है, जहां अब तीन बच चुके थे। इसलिए वहां लिंक फिर से आकर आत्महत्या करने लगती है, पर तभी उसकी जगह मून आकर अपने गले में फंदा डाल देती है, जिससे वो तड़पने लगती है। इधर लिंक की माँ को लिंक की चीख सुनाई देती है, जहाँ वो उसे कहती कि मुझे अपनी गलती का आभास हो गया है। जिंदा रहने पर भी मुझे कोई सुकून नहीं मिला और मरने के बाद भी मेरी आत्मा तड़प रही है। मैं आपके मुंह से बस इतना सुनना चाहती हूँ कि आपने मुझे माफ कर दिया, क्योंकि आपके इतने कहते ही मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। जो सुनकर वो तुरंत लिंक के कमरे में आ जाती है और फिर लिंक को फंदे से नीचे उतारकर कहती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। जो सुनकर लिंक खुश हो जाती है और तभी वो मून में बदल जाती है, जिसके बाद सभी लिंक की कब्र के पास आकर उसके लिए प्रार्थना करते हैं। अब मून लू के साथ बस से अपने घर जा रही होती है, तब सड़क पर काफी ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, क्योंकि एक टैंक ट्रक रोड पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। फिर तभी मून को सारी आत्मा एक तरफ जाते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर वो एकदम घबरा जाती है। वो अब सभी को गाड़ी से बाहर निकलकर वहां से भागने को कहती है, लेकिन जिस तरह से लोगों ने लिंक की बात नहीं मानी थी, उसी तरह से कोई भी मून की बात पर विश्वास नहीं करता। और फिर ट्रक में से गैस निकलकर चारों तरफ फैलने लगती है, और जैसे ही एक बस वाला अपनी बस स्टार्ट करता है, उसके चालू होते ही चारों तरफ एक बहुत ही जोर का धमाका हो जाता है, जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। और तभी कुछ कांच के टुकड़े मून की आंख में चले जाते हैं, जिससे वो फिर से अंधी हो जाती है। वहीं जैसे ही वो आग मून को अपने चपेट में लेने वाली होती है, कि समय रहते लू उसे बचा लेता है। अब मूवी की आखिरी सीन में हम मून को देखते हैं, जो छड़ी लेकर चल रही होती है, जहां वो फिर से अपने मन में कहती कि अपनी आंखों की रोशनी से मैंने अब तक जितनी भी दुनिया देखी थी, वो बहुत ही सुंदर थी, जिसे मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन अब मुझे अंदर रहना ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब मेरे जीवन की नई शुरुआत लू के साथ होगी। जिसके बाद हम लू और मून को एक साथ देखते हैं, और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।